हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सब्सिडी के लिए चल रहा तेल का खेल, प्राइवेट कंज्यूमर डाल रहे आम उपभोक्ताओं के हित पर डाका, आबू रोड सिरोही, सरकार की ओर से आम उपभोक्ताओं के लिए डीजल दी गई सब्सिडी का प्राइवेट कंज्यूमर जमकर फायदा उठा रहे हैं। सब्सिडी के डीजल के लिए डढ़ल्ले से तेल का खेल जारी है, ऐसे में राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार की ओर से प्राइवेट कंज्यूमर के लिए डीजल पर प्रति लीटर 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस पर रोडवेज, सीमेंट फैक्ट्रियां वो प्राइवेट कंज्यूमर के लाइसेंस वाली कंपनियों ने पेट्रोल पंपों का रुख कर लिया है। पेट्रोल पंपों से आम उपभोक्ताओं की सब्सिडी वाला डीजल खरीद रहे हैं। प्राइवेट कंज्यूमर को फायदा देने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां तक कि उन्हें विशेष रियायत देकर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर रोडवेज बसों व निजी कंपनियों के वाहनों की कतारें सहजता से देखी जा सकती है, जबकि पेट्रोल पंप संचालक टैंकरों में सप्लाई नहीं दे सकते हैं। बहरहाल खुलेआम चल रहे तेल के खेल में प्रतिदिन निर्धारित किए गए पेट्रोल पंपों से लाखों लीटर सब्सिडी का तेल खरीदा जा रहा है। वहीं सबके चलते राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान का खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।